कोरोना के बीच लगाए गए लॉकडाउन में भी साइबर ठग इन दिनों बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। कोरोना के बावजूद यह साइबर ठगी करने की वारदातों को अंजाम देने से नहीं चुक रहे हैं। एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है राजधानी जयपुर में, जहां एक साइबर ठग ने एक पीड़ित को अपना शिकार बनाते हुए लाखों रुपयों की ठगी कर ली। पुलिस के मुताबिक जवाहर नगर रहने वाली पीड़ित प्रदीप कुमार के पास जियो फाइबर कनेक्शन के लिए एक मैसेज आया था, उसके बाद पीड़ित के अकाउंट से पैसे कट गए। घटना की जानकारी पीड़ित को मैसेज आने के बाद चली, इस पर पीड़ित ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। ये प्रदीप कुमार है परिवादी, जवाहर नगर इलाके के रहने वाले हैं। उनके पास उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जियो फाइबर का रजिस्ट्रेशन करवाने के संबंध में, जिसमें एक लिंक दिया होता है। उस लिंक को जब क्लिक करते हैं तो उससे एक ऐप इंस्टॉल होती है जो कि हाइड होती है, मोबाइल में शो नहीं होती है, और उस ऐप के थ्रू टेक्स्ट मैसेज की परमिशन है वो उस ऐप में ली जाती है कस्टमर से। और उसके बाद एक लिंक और दिया जाता है जिसमें जियो फाइबर रजिस्ट्रेशन के लिए 198 रुपये या 199 रुपये का चार्ज बता करके एक लिंक के थ्रू पेमेंट का ऑप्शन आता है। उसमें जब यूज़र अपनी डिटेल्स भरता है, उसमें कार्ड नंबर, CVV नंबर और वैलिड थ्रू डेट जो भरता है, मोस्टली गेटवे में यही चीज़ें भरी जाती है। लेकिन इसमें जो फ्रॉडर्स ने तरीका अपनाया, इसमें एक नंबर जो बैंक में रजिस्टर्ड होता है वो नंबर भी इसमें फिलअप करवाते हैं। ये नंबर फिलअप होने के बाद उसके पास टोटल डिटेल चली जाती है कि इस नंबर से कितने अकाउंट जुड़े हुए हैं, तो सारी डिटेल्स उसके पास चली जाती है और ऐप पहले से इंस्टॉल हो जाती है जो यूज़र को दिखती नहीं है। तो उसके जो बैंक की तरफ से जो